हेलो गाइज, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर रॉयल ग्रीन की अपडेट दे दो। तो मैं हूँ साइट के ऊपर, रॉयल ग्रीन 62। आप देख रहे हो जो पीछे पूरी लैंड रॉयल ग्रीन की है। अभी इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है बिकॉज क्यों, बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया था इनका कहना है। तो अभी जैसे ही बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट मंथ से ये स्टार्ट कर देंगे। आइए मैं एक बार आपको साइट दिखाता हूँ। अभी कंस्ट्रक्शन टीम के लिए यहाँ पे ऑफिस रेडी किया जा रहा है। तो अभी जो करंट है, करंट में कुछ नहीं है। उसके बाद जो पीछे आप जो देख रहे हैं दो वाइट टावर, ये है एमआर के डीजी होम। यहीं से ये 24 मीटर रास्ता यहाँ से आएगा, जो ये साथ साथ में जो अभी आप जो देख रहे हैं कच्चा रास्ता, ये बिल्कुल इसके दीवार के साथ साथ आएगा। ये है हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल। इसके साथ साथ आते ही यहाँ पे टी पॉइंट बन जाएगा, एक रास्ता है जहाँ आप जो देख रहे हो वहाँ से। और ये है आपका हेरिटेज स्कूल, और यहाँ पे आपके ये पाइनियर प्रेजिडिया लग्जरी फ्लैट्स हैं, काफ़ी महंगे फ्लैट्स हैं और रेंटल इनकम काफ़ी महंगी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कमर्शियल और अफोर्डेबल फ्लैट्स लॉन्च किए गए थे बिल्डर के द्वारा। तो यहाँ पे 2 BHK, 3 BHK और कमर्शियल का प्रॉपर तरीके से ड्रॉ हो चुका है, और अभी कोई यूनिट नहीं है, ना 2 BHK के अंदर है, ना 3 BHK के अंदर है। एक चीज़ समझो आप कि जब ये प्रोजेक्ट अगर इन्होंने अच्छे तरीके से इसको डिलीवर किया तो यहाँ पे जो फ्लैट की वैल्यू है वो 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक की जा सकती है। अगर आपका निकला हुआ है तो कैंसिल मत करना, कहीं किसी के बहकावे में आ जाओ कि ये है वो है, ऐसा मत करना। आप रखो इस फ्लैट को, क्योंकि गवर्नमेंट अब वैसे भी काफ़ी टाइट हो चुकी है बिल्डर्स के रिगार्डिंग, क्योंकि दिन प्रतिदिन एक कुछ न कुछ बिल्डर के खिलाफ न्यूज आ जाती है। तो रेरा भी थोड़ा सख्त हो चुका है इस मामले के अंदर। अगर टाइम पे नहीं मिलता है तो प्लेंटी वगैरह आपने देखा होगा, काफ़ी न्यूज भी आई थी अभी, प्लेंटी वगैरह लगी थी। तो यहाँ से कनेक्टिविटी अच्छी होने वाली है। आप अगर ये सोचते हो कि यहाँ पे स्कूल है वो, लेकिन ये एक चीज़ सोचो ना, आप ले भी तो अफोर्डेबल रहे हो, कोई करोड़ों की चीज़ थोड़ी ना ले रहे हो। ये अब जैसे कि इन फ्लैटों की आप देखो, यहाँ पे 2.5-3 करोड़ के ये फ्लैट है, वो भी ऊपर वाले टॉप फ्लोर वाले आप देख रहे हैं, और यहाँ भी लोग रह रहे हैं। तो ये बात ये तो कहते हुए अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये भी देखोगे ना, मेन रोड से बहुत अंदर है ये टावर, और ये इतने करोड़ों के फ्लैट हैं, और इन फ्लैटों के बच्चे इस हेरिटेज स्कूल में पढ़ते हैं। कई मेरे कस्टमर हैं जिनको मैंने रेंट आउट कर रखा है इसके अंदर और दिला भी रखे हैं, तो उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। इन्होंने भी इस वजह से लिया था इसके अंदर फ्लैट, क्योंकि इनके बच्चे इस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा स्कूल है यहाँ पे। उधर फिर पाइनियर है, पाइनियर पार्क वगैरह, वहाँ भी रेंटल इनकम 2 BHK की 40+ है, 40,000+ का रेट है वहाँ भी। तो यहाँ भी जब अगर ये इन्होंने अच्छा दे दिया तो यहाँ पे रेंटल इनकम बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बगल में हॉस्पिटल है और साइड में स्कूल है, बीच में ये प्रोजेक्ट है। तो इससे अगर देखोगे तो मेन रोड बिल्कुल थोड़ी सी मीटर के ऊपर पड़ता है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है मेन रोड का। जो ये जो मेन रोड जा रहा है आपका एक्सटेंशन रोड से लेके पीछे 63A तक, ये सोना को कनेक्ट होने वाला है। यही रोड है जो डायरेक्ट सोना और गुड़गांव एक्सटेंशन गोल्ड कोस्ट रोड इसको कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसमें चाहे आप कमर्शियल की कुछ यूनिट अवेलेबल है, कमर्शियल ले सकते हो आप। वीडियो के नीचे आपको काफ़ी ऑप्शन चलते हुए नज़र आएंगे, तो आप ट्राई कर सकते हैं। कोई ऑप्शन आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे जो ऐड चल रही हैं उसके अंदर आपके प्लॉट, कमर्शियल, आपके अफोर्डेबल फ्लैट, लग्जरी, दीनदयाल के प्लॉट वगैरह, सारी जो अवेलेबलिटी है वो नीचे चलती रहती है। तो आप उसके अंदर भी अपनी रिक्वायरमेंट चेक करते रहो, कोई हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर प्रॉपर्टी हो। अगर हम कमर्शियल की बात करें तो कुछ इस तरीके का ये फसाड रहेगा। ये बगल में 24 मीटर रोड है, और अपने पास एक ये वाली शॉप है, कॉर्नर से दूसरी शॉप है, ये है 199 स्क्वायर फीट की। तो आप देख सकते हो रोड से शॉप के बीच में भी काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है, ज़्यादा उस पर नहीं है। ये फिर अंदर का लेआउट आ जाता है फूड कोर्ट्स का। एक दो यूनिट अपने पास कॉर्नर की है, कॉर्नर में ट्राई करना चाहते हो 200 स्क्वायर फीट की। रेट हो चुका है 29,500 पर स्क्वायर फीट का रेट हो चुका है शॉप का। और एक ग्राउंड फ्लोर पे LGF के अंदर अपने पास शॉप है जो कि है 200 स्क्वायर फीट की, कॉर्नर शॉप है, तो वो आप ट्राई कर सकते हो।
आपके लिए है, छोटी शॉप है, छोटा अमाउंट जाएगा और बहुत प्रॉफिट होगा उसके अंदर, रेंट आउट जल्दी होगी। तो आपके लिए एक चीज़ अवेलेबल है बिल्कुल, अगर आप कमर्शियल के अंदर ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद तो फिर बड़ी शॉप है 350-400 स्क्वायर फीट की, वो ट्राई कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। मेरा वीडियो बनाने का भी पर्पज़ यही था कि आपको एक बार कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखा दूँ, और अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन आप कमर्शियल ट्राई कर रहे हैं तो कमर्शियल के अंदर भी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन अपडेट की। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।